नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मास्टर शिक्षा। दोस्तों, आज की क्लास में हम MPS 4 को देखेंगे, जिसमें MPS 4 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि आपके बुक का नाम है तुलनात्मक राजनीति। ठीक है, इस पूरे बुक के ऊपर जो कि लगभग 30 यूनिट है, 30 यूनिट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने 8 से 10 क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो यूनिट है MPS 4 तुलनात्मक राजनीति, ये बुक का नाम है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि तुलनात्मक पद्धति के समकालीन महत्व का मूल्यांकन कीजिए। तो इसका मूल्यांकन करते हुए हम ज़्यादा डिटेल से नहीं जानेंगे, लेकिन हम सिर्फ उतना जानेंगे कि अगर तुलनात्मक पद्धति या तुलनात्मक राजनीति के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम किस तरीके से करेंगे। वो सारे क्वेश्चन जितने भी तुलनात्मक राजनीति के ऊपर बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों का एक ही बार में हम पूरा डिटेल से देख लेंगे। तुलनात्मक पद्धति कंपैरेटिव मेथड एक आधुनिक अनुसंधान तकनीक है जिसका उपयोग विभिन्न इकाइयों जैसे कि समाज, संस्कृतियाँ, नीतियाँ, आर्थिक प्रणालियाँ, राजनीतिक प्रणालियों आदि की तुलना करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न इकाइयों के बीच समानताओं और भिन्नताओं का विश्लेषण करके गहन समझ प्राप्त करना होता है, और यह आधुनिक विभिन्न अनुशासनों में उपयोग किया जाता है जैसे कि समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र और कानून। तुलनात्मक पद्धति के प्रमुख तत्वों के बारे में अगर हम देखें, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो दोस्तों हमने सिर्फ पॉइंट पॉइंट दे रखे हैं, बाकी आप डिस्क्राइब खुद ही कर लीजिएगा। ठीक है, पहला है तुलनात्मक विश्लेषण। इसके अंदर विभिन्न इकाइयों के बीच समानताओं और विभिन्नताओं का विश्लेषण करना, उदाहरण के लिए दोनों देशों की शिक्षा प्रणालियों की तुलना करना, ये तुलनात्मक विश्लेषण में आता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा अनुसंधान डिज़ाइन। तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक स्पष्ट और व्यवस्थित अनुसंधान डिज़ाइन तैयार करना, इसमें चयनित इकाइयों का चयन, डेटा संग्रह विधियाँ और विश्लेषण की रणनीतियाँ शामिल होती हैं कि हम कौन कौन सी तकनीकों द्वारा हम इसके डेटा का चयन करेंगे, उनका संग्रहण करेंगे और उनकी कौन कौन सी विधियाँ होंगी, विश्लेषण की कौन कौन सी रणनीतियाँ होंगी, ये सब अनुसंधान डिजाइन के अंतर्गत आता है। तीसरा हमारा पॉइंट है डेटा संग्रह। तुलनात्मक अध्ययन के लिए प्रासंगिक और विश्वसनीय डेटा एकत्र करना, इसमें प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक स्रोत जो कि डायरेक्ट जो है हमें कुछ लिखा हुआ मिल जाता है, और द्वितीयक स्रोत वो होते हैं कि जो लिखे हुए नहीं मिलते हैं, लोगों द्वारा बताए गए होते हैं। ठीक है, वो अपने हिसाब से उस चीज़ की व्याख्या करते हैं, तो ये द्वितीयक स्रोत में आते हैं। फिर इसमें देखते हैं चौथा पॉइंट हमारा मूल्यांकन और व्याख्या। एकत्र किए गए डाटा का विश्लेषण और व्याख्या करना ताकि विभिन्न इकाइयों के बीच संबंधों और कारक प्रभाव की समझ प्राप्त हो सके। अब इसके प्रकार की बारे में देख लेते हैं, तो तुलनात्मक पद्धति के कौन कौन से प्रकार होते हैं वो देख लेते हैं हम। पहला है हमारा क्रॉस नेशनल कंपैरेटिव रिसर्च। ठीक है, क्रॉस नेशनल कंपैरेटिव रिसर्च क्या होता है, विभिन्न देशों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करना, और उदाहरण के लिए विभिन्न देशों की स्वास्थ्य नीतियों की तुलना, ठीक है, इसके अंतर्गत होती है। फिर इसके बाद है क्रॉस कल्चर स्टडीज, विभिन्न संस्कृतियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन, उदाहरण के लिए विवाह और परिवार संरचनाओं की विभिन्न संस्कृतियों की तुलना जो है वो इसमें करी जाती है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर देखें, तो हमारा अगला जो पॉइंट है वो है क्रॉस टेम्पोरल कंपैरेटिव रिसर्च। ये समय के साथ साथ परिवर्तनशील इकाइयों की तुलना करता है, उदाहरण के लिए एक देश की आर्थिक नीतियाँ विभिन्न समय अवधियों में किस तरीके की थी, जैसे भारत का 1998 या आज़ादी के समय की जो नीतियाँ थी वो वर्तमान समय में नहीं चल रही हैं, या उसमें बहुत सारी भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं, तो वही अवधियों के साथ में क्रॉस टेम्पोरल कंपैरेटिव रिसर्च किया जाता है। तुलनात्मक पद्धति के लाभ देखें तो सर्वोत्तम प्रथाओं का पता लगाना होता है इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, कि हम इससे तुलनात्मक पद्धति से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी तकनीक जो थी या कौन से नियम कानून जो थे वो सबसे ज़्यादा अच्छे थे। विभिन्न इकाइयों की तुलना करके सर्वोत्तम प्रथाओं और नीतियों का पता लगाया जा सकता है और उन्हें अपनाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है वैश्विक दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन वैश्विक दृष्टिकोण को प्राप्त करता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध संदर्भ में समस्याओं की समझ को बढ़ाता है।
फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट है सैद्धांतिक विकास, यानी हमारे सिद्धांतों का दृष्टिकोणों का विकास करता है। तुलनात्मक पद्धति नई सैद्धांतिक दृष्टिकोणों के विकास करने में मदद करती है और मौजूदा सिद्धांतों के परीक्षण की सुविधा प्रदान करती है। चौथा पॉइंट है हमारा समाजशास्त्रीय और राजनीतिक अंतर्दृष्टि, यह पद्धति समाज और राजनीति के लिए जटिल संरचनाओं और प्रक्रियाओं की गहर समझ प्रदान करती है। इसका निष्कर्ष देखते हैं, हमारे ये वैसे चैप्टर खत्म हो गए, इसका निष्कर्ष देखते हैं तो तुलनात्मक पद्धति अनुसंधान और अध्ययन में एक शक्तिशाली उपकरण है जो विभिन्न इकाइयों के बीच गहन और व्यापक विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है। यह पद्धति नीति निर्माण, शैक्षिक अनुसंधान, सामाजिक सुधार और वैश्विक समझ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके माध्यम से हम विभिन्न सामाजिक संस्कृतियों और प्रणालियों के बीच संबंधों और विविधता को समझ सकते हैं जो हमें बेहतर और समृद्ध भविष्य की दिशा में अग्रसर करता है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें थोड़ी चीज़ें और दे रखी हैं, तुलनात्मक पद्धति देखते हैं, कंपैरेटिव मेथड का समकालीन महत्व विविध क्षेत्रों में अत्यधिक है क्योंकि यह पद्धति विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों और आर्थिक प्रणालियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इसके समकालीन महत्व मूल्यांकन निम्नलिखित माध्यम से किया जा सकता है। इसका मूल्यांकन हम कर रहे हैं कंपैरेटिव मेथड का। तो पहला है वैश्विक समझ का विकास, तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से विभिन्न देशों और समाजों की नीतियों, संस्कृतियों और आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करके वैश्विक समझ विकसित करती है। यह पद्धति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, वैश्विक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विविधता को समझने में मदद करती है। इसके बाद है दूसरा हमारा पॉइंट है नीति निर्माण और सुधार, तुलनात्मक अध्ययन नीति निर्माताओं को विभिन्न देशों में लागू सफल नीतियों का विश्लेषण करने में मदद करता है। इससे वे अपने देश में उन नीतियों को लागू करने के लिए साक्ष्य आधारित निर्णय ले सकते हैं और नीतियों में भी सुधार कर सकते हैं। इसके बाद है तीसरा हमारा पॉइंट है शैक्षिक और अकादमिक अनुसंधान, तुलनात्मक पद्धति शिक्षा और अनुसंधान में महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से शोधकर्ता विभिन्न सिद्धांतों और मॉडलों की तुलना कर सकते हैं जिसमें नए सिद्धांतों का विकास और पुराने सिद्धांतों का परीक्षण किया जा सकता है। अगला हमारा पॉइंट है चौथा पॉइंट है सांस्कृतिक और सामाजिक अध्ययन, इस पद्धति के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों और समाजों की विशेषताओं का अध्ययन करके सामाजिक व्यवहार, रीति रिवाज और परंपराओं की गहन समझ प्राप्त की जा सकती है। समाजशास्त्र और सांस्कृतिक अध्ययन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पांचवा हमारा पॉइंट है आर्थिक विकास और प्रबंधन, तुलनात्मक आर्थिक अध्ययन विभिन्न देशों के आर्थिक विकास मॉडलों की तुलना करता है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि कौन सा मॉडल सफल है और क्यों सफल है। यह विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छठा हमारा पॉइंट है राजनीतिक और कानूनी ढांचे का विश्लेषण, तुलनात्मक पद्धति राजनीतिक कानूनी अध्ययन में भी उपयोगी है। यह विभिन्न देशों के राजनीतिक कानूनी ढांचे की तुलना करके उनके प्रभाव और कार्यक्षमता का मूल्यांकन किया जा सकता है। सातवां हमारा पॉइंट है स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र पर सुधार, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन से विभिन्न प्रणालियों और नीतियों का विश्लेषण करके बेहतर और अधिक प्रभावी विकास किया जा सकता है। आठवां पॉइंट है हमारा सामाजिक न्याय और मानवाधिकार, तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से विभिन्न देशों में मानवाधिकार और सामाजिक न्याय की स्थितियों का अध्ययन करके वैश्विक स्तर पर सुधार के उपाय सुझाए जा सकते हैं। समग्र रूप में तुलनात्मक पद्धति वर्तमान समय में न केवल अनुसंधान उपकरण के रूप में महत्वपूर्ण है बल्कि नीति निर्माण, सामाजिक सुधार और वैश्विक समझ के विकास के रूप में ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह पद्धति हमें विभिन्न दृष्टिकोणों से दुनिया को समझने और बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाने की क्षमता प्रदान करती है। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, राज्य के मार्क्सवादी तथा गांधीवादी दृष्टिकोण की तुलना करनी है इसमें। तो इस क्वेश्चन में हमने ये तुलना करके दिखाया हुआ है कि मार्क्सवादी और गांधीवादी दृष्टिकोण जो है वो राज्य के संदर्भ में किस प्रकार से अलग है। मार्क्सवादी और गांधीवादी दृष्टिकोण की राज्य की भूमिका और प्रकृति के बारे में विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं और ये दोनों दृष्टिकोण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं। यहाँ राज्य के मार्क्सवादी और गांधीवादी दृष्टिकोणों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण देख लेते हैं। पहले राज्य की प्रकृति के बारे में मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि यह शोषण का उपकरण है। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग शासक वर्ग अर्थात जो अमीर वर्ग है वो श्रमिक वर्ग का शोषण करने के लिए उपयोग करता है। राज्य की संस्थाएँ और नीतियाँ शासक वर्ग के हितों की सेवा करती हैं। इसके बाद है इसमें अस्थायी और परिवर्ती। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में राज्य को एक अस्थायी संरचना माना जाता है जो वर्ग विकास, वर्ग विभाजन के कारण उत्पन्न होता है। एक बार
जब वर्गहीन समाज समाजवाद स्थापित होता है तो राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। दूसरा पॉइंट है राज्य की भूमिका। ठीक है, ये अभी हम मार्क्सवादी संदर्भ में देख रहे हैं। मार्क्सवादी संदर्भ में राज्य की जो भूमिका है वो आर्थिक शोषण करती है। राज्य का मुख्य कार्य शासक वर्ग के हित आर्थिक हितों की रक्षा करना और श्रमिक वर्ग के शोषण को बनाए रखना है। इसके बाद है दमनकारी भूमिका। राज्य का उपयोग दमनकारी तंत्र के रूप में किया जा सकता है मार्क्सवादी के अनुसार, जिसमें पुलिस, सेना और न्यायपालिका जैसी संस्थाएं शामिल है जो शासक वर्ग के विरोध को दबाने के लिए कार्य करती हैं। इसके बाद है मार्क्सवादी के अनुसार राज्य का अंत क्रांति और समाजवाद के द्वारा किया जा सकता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य का अंत एक समाजवादी क्रांति के माध्यम से होगा, जिसमें श्रमिक वर्ग सत्ता पर कब्जा करेगा और एक वर्गहीन समाज की स्थापना करेगा। इस प्रक्रिया के दौरान राज्य जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधीवादी दृष्टिकोण की अगर हम आगे बात करें तो गांधीवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य की प्रकृति कैसी है, इसके बारे में हम देखते हैं। वो है आधारभूत सामुदायिकता। गांधीवादी दृष्टिकोण में राज्य का आधार ग्राम स्वराज्य में है, जिसमें ग्राम स्तर पर आत्मनिर्भरता और स्वायत्त समुदाय होते हैं और राज्य का ढांचा विकेंद्रीकृत और सामुदायिक होता है। इसके बाद है नैतिकता और अहिंसा। राज्य की प्रकृति जो है वो गांधी जी के अनुसार राज्य का आधार नैतिकता और अहिंसा पर होना चाहिए। राज्य का उद्देश्य समाज में न्याय और समानता को बढ़ावा देना है। इसके बाद गांधीवादी विचारधारा के अनुसार राज्य की भूमिका के बारे में अगर हम देखें तो राज्य की भूमिका जो है वो कल्याणकारी राज्य होनी चाहिए। गांधीवादी दृष्टिकोण में राज्य का प्रमुख कार्य समाज के सभी सदस्यों का कल्याण करना है, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जैसे सक्रिय भूमिका निभाना शामिल है। इसके बाद है विकेंद्रीकरण। राज्य की शक्ति और संसाधनों का विकेंद्रीकरण महत्वपूर्ण है, जिसमें स्थानीय सुशासन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है। तीसरा, इसमें गांधीवादी विचारधारा के अनुसार राज्य और स्वतंत्रता की बात करी गई है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता। गांधी जी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर जोर देते हैं और राज्य का कार्य नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना है, न कि उन पर नियंत्रण रखना। इसके बाद सामाजिक न्याय की बात बोली गई तो राज्य का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना है, जिसमें सभी वर्ग के लोगों को समान अवसर मिल सके। इसके निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि मार्क्सवादी और गांधीवादी दृष्टिकोण राज्य की प्रकृति और भूमिका के बारे में दो अलग अलग विचार प्रस्तुत करते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण एक राज्य एक शोषणकारी तंत्र है जो अंततः एक समाजवादी क्रांति के माध्यम से समाप्त हो जाएगा। दूसरी ओर गांधीवादी दृष्टिकोण में राज्य का उद्देश्य सामुदायिक स्वशासन, नैतिकता, अहिंसा और सामाजिक कल्याण है। दोनों दृष्टिकोणों में समाज और राज्य के बीच संबंधों को समझने के विभिन्न तरीके हैं जो विचारधाराओं और ऐतिहासिक संदर्भों से प्रभावित होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा उदारवादी दृष्टिकोण में राष्ट्रवाद का विश्लेषण करना है। ठीक है, उदारवादी दृष्टिकोण में राष्ट्रवाद क्या होता है यह हम देखते हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। उदारवादी दृष्टिकोण, जिसको इंग्लिश में लिबरल पर्सपेक्टिव कहते हैं, से राष्ट्रवाद नेशनलिज्म का विश्लेषण एक व्यापक और जटिल प्रक्रिया है। इसमें विभिन्न तत्वों को शामिल किया जाता है। उदारवादी विचारधारा के मुख्य सिद्धांतों जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवाधिकार, लोकतंत्र और कानून के शासन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रवाद का विश्लेषण किया जाता है। उदारवादी दृष्टिकोण में राष्ट्रवाद के प्रमुख तत्व होते हैं। पहला जो तत्व है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकार, यानी स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा स्वतंत्रता और समानता की भावना यहाँ पर सुनिश्चित करी जाती है। लोकतंत्र और भागीदारी, इसके अंतर्गत जनता की संप्रभुता होती है। उदारवादी दृष्टिकोण में राष्ट्रवाद का अर्थ जनता की संप्रभुता है, जिसमें राज्य की सत्ता जनता द्वारा चुनी जाती है और उनके हितों की सेवा करती है। इसके बाद लोकतांत्रिक संस्थाएं, जो उदारवादी लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को मजबूत करने पर जोर देता है, ताकि नागरिक सक्रिय रूप से राजनीतिक जीवन में भाग ले सके। इसके बाद कानून का शासन और न्याय, कानूनी सुरक्षा। इसमें उदारवादी दृष्टिकोण में कानून के शासन का महत्व है, जिसमें सभी नागरिकों के लिए न्याय और कानूनी सुरक्षा की गारंटी होती है। राष्ट्रवाद में कानूनी प्रणालियों के माध्यम से न्याय और निष्पक्षता को बढ़ावा देना चाहिए। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है संवैधानिकता। उदारवादी राष्ट्रवाद संविधान और संवैधानिक प्रावधानों का सम्मान करता है, जो नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। चौथा हमारा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति। इसमें वैश्विक समझ आता है,
उदारवादी दृष्टिकोण में राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति की आवश्यकता को पहचानता है। ये विचारधारा अन्य राष्ट्रों के साथ सह अस्तित्व और सहयोग को बढ़ावा देती है, जिसमें वैश्विक समस्याओं का समाधान किया जा सके। अगला हमारा टॉपिक है मानवता की एकता। उदारवादी राष्ट्रवाद ये स्वीकार करता है कि सभी मनुष्य मूल रूप से एक समान है और सभी के अधिकार और सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए। उदारवादी दृष्टिकोण में राष्ट्रवाद की सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष की बात करें अगर हम, तो सकारात्मक पक्ष में राष्ट्रीय एकता और पहचान आता है, जिसमें उदारवादी राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता और पहचान को मजबूत करता है, जो नागरिकों को एक साझा उद्देश्य और मूल्य प्रदान करता है। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन होता है। यह आंदोलन उन स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन करता है जो उपनिवेशक और दमनकारी शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष करते हैं। इसके नकारात्मक पक्ष की अगर हम बात करें तो नकारात्मक पक्ष में अतिवादी राष्ट्रवाद का विरोध होता है। उदारवादी दृष्टिकोण अतिवादी राष्ट्रवाद जो अन्य देशों और समुदाय के प्रति असहिष्णुता और आक्रामकता को बढ़ावा देता है का विरोध करता है। जातीय और सांस्कृतिक तनाव। यदि राष्ट्रवाद जातीय और सांस्कृतिक विविधता को नज़रअंदाज करता है तो यह समाज में विभाजन और तनाव पैदा कर सकता है। इसके निष्कर्ष की ओर देखें तो उदारवादी दृष्टिकोण में राष्ट्रवाद एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवाधिकार, लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे मूल्यों पर आधारित है। यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय पहचान और एकता को प्रोत्साहित करता है, जबकि अतिवादी और दमनकारी राष्ट्रवाद के विरोध करता है। उदारवादी राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक शांति के सिद्धांतों का समर्थन करता है, जिसमें एक न्याय संगत समावेशी समाज का निर्माण हो सके। तो दोस्तों, चार क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त हो गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रीय एकीकरण का राष्ट्र राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसके आंसर की ओर देखें तो क्षेत्रीय एकीकरण जो कि रीजनल इंटीग्रेशन का राष्ट्र राज्य पर प्रभाव बहुत आयामी और जटिल होता है। क्षेत्रीय एकीकरण विभिन्न देशों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देता है, जिससे वे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में मिलकर काम कर सके। इसका राष्ट्र राज्यों पर कई तरीके से प्रभाव पड़ता है, जिनमें आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक संरचना और संप्रभुता भी शामिल होती है। आर्थिक प्रभाव के अगर बारे में हम देखें तो आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत व्यापार और निवेश आता है, और व्यापार और निवेश के अंतर्गत बढ़ता हुआ व्यापार। क्षेत्रीय एकीकरण से सदस्य देशों के बीच व्यापारिक बाधाएँ कम होती है, जिससे व्यापार में वृद्धि होती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा विदेशी निवेश। आर्थिक स्थिरता और बाजार के विस्तार के कारण विदेशी निवेश में भी वृद्धि होती है। इसका दूसरा पॉइंट देखिए, आर्थिक विकास में तो विकास के अवसर होते हैं। आर्थिक एकीकरण से विकासशील देशों को विकास के अधिक अवसर मिलते हैं, उन्हें एक बड़े बाजार तक पहुंच मिलती है और वे अधिक निवेश पर निवेश आकर्षित कर सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक नीति समन्वय। सदस्य राष्ट्र आर्थिक नीतियों को समन्वित करते हैं, जिससे मुद्रास्फीति, बेरोजगारी तथा अन्य आर्थिक समस्याओं से निपटना आसान हो जाता है। राजनीतिक प्रभाव की अगर हम चर्चा करें तो इसमें पहला पॉइंट आता है संप्रभुता और स्वायत्तता। तो संप्रभुता और स्वायत्तता के अंतर्गत संप्रभुता की कमी, जिसमें क्षेत्रीय एकीकरण से राष्ट्र राज्यों को कुछ हद तक अपनी संप्रभुता का त्यागना पड़ता है, जिन्हें उन्हें साझा नियमों और नीतियों का पालन करना होता है। इसके बाद सहयोग और समन्वय। राजनीतिक समन्वय और सहयोग से क्षेत्रीय स्थिरता और शांति को भी बढ़ावा मिलता है। इसके बाद लोकतांत्रिक सुधार में देखें, लोकतांत्रिक सुधार तो इसके पॉइंट है लोकतांत्रिक मूल्य, इसमें क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों का प्रचार होता है। दूसरा टॉपिक हमारा संस्थानिक सुधार। क्षेत्रीय एकीकरण से सदस्य देशों में राजनीतिक और स्थानिक सुधार हो सकते हैं। अगला पॉइंट अगर हम देखें सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में, तो इसका हमारा पॉइंट है सामाजिक समावेशन, जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा, सदस्य राष्ट्रों के बीच सामाजिक सुरक्षा नीतियों का समन्वय किया जाता है, जिससे नागरिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिल सकती है। इसके बाद है सामाजिक तनाव। प्रवासन, जिसमें है क्षेत्रीय एकीकरण से प्रवासन बढ़ जाता है, जिससे सामाजिक तनाव और चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय पहचान, कुछ मामलों में क्षेत्रीय एकीकरण से राष्ट्रीय पहचान और संस्कृति के संरक्षण को लेकर भी चिंता उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद चौथा हमारा पॉइंट है सुरक्षा और रक्षा प्रभाव। इसके अंतर्गत सहयोग और स्थिरता आती है, जिसमें सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय एकीकरण से सामूहिक सुरक्षा और रक्षा समझौता का विकास होता है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और शांति को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद है सुरक्षा सहयोग। सदस्य राष्ट्र आतंकवाद, सीमा आतंकवादी सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और अन्य सुरक्षा मुद्दों पर भी मिलकर काम कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें, इसके अगला पॉइंट है तो इसमें सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्षेत्रीय एकीकरण से राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि समन्वित नीतियों के बावजूद
बढ़ती आपराधिक गतिविधियां भी यहाँ पे शामिल है। इसके निष्कर्ष की ओर देखें तो निष्कर्ष हमारा निकलता है कि क्षेत्रीय एकीकरण का राष्ट्र राज्यों पर प्रभाव व्यापक और जटिल है। यह आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है, जबकि क्षेत्रीय एकीकरण से व्यापार, निवेश और सहयोग को बढ़ावा भी मिल सकता है। वहीं यह संप्रभुता और राष्ट्रीय पहचान के संरक्षण के मुद्दों को भी उठाता है। इसके सफल कार्यान्वयन के लिए सदस्य राष्ट्रों के बीच संतुलन और समन्वय आवश्यक है, ताकि सभी हितधारकों के लाभ और चुनौतियों का सही तरीके से समाधान किया जा सके। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघवाद का विश्लेषण कीजिए और क्या यह सत्ता में हिस्सेदारी का एक मॉडल है। तो पहले संघवाद समझ लेते हैं कि संघवाद, जिसे इंग्लिश में फेडरलिज्म बोलते हैं, यह एक शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता को केंद्रीय यानी राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच विभाजित किया जाता है। और यह प्रणाली सत्ता में हिस्सेदारी का एक मॉडल मानी जाती है, क्योंकि यह विभिन्न स्तरों पर सत्ता के विभाजन और साझेदारी को प्रोत्साहित करती है। संघवाद के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने के लिए हम इसके प्रमुख तत्वों, लाभों, चुनौतियों और विभिन्न देशों में इसके कार्यान्वयन पर भी विचार कर सकते हैं। संघवाद के प्रमुख तत्व अगर हम देखें तो इसमें है पहला, सत्ता का विभाजन, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार। संघीय ढांचे में केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीय महत्व के मामलों जैसे रक्षा, विदेश नीति और मौद्रिक नीति की जिम्मेदारी होती है, और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी यह होती है कि प्रांतीय सरकारों को स्थानीय मामलों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसके बाद है दूसरा हमारा पॉइंट है, संवैधानिक द्वारा संरक्षित अधिकार। संघीय प्रणाली में सत्ता के विभाजन और अधिकारों को संविधान द्वारा संरक्षित किया जाता है, और किसी भी परिवर्तन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। तीसरा हमारा पॉइंट है, संविधान की सर्वोच्चता। संघवाद में संविधान सर्वोच्च कानून होता है और सभी सरकारों को इसका पालन करना अनिवार्य होता है। संघवाद के अगर हम लाभ की बात करें तो लाभ पहला हमारा यही पहुँचता है, सत्ता में साझेदारी, जिसमें समावेशी शासन। संघवाद विभिन्न स्तरों पर सत्ता का विभाजन करके शासन में समावेशिता और सहभागिता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा स्थानीय स्वायत्तता, राज्य सरकारों को स्थानीय मामलों पर नियंत्रण मिलता है, जिससे वे स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार नीतियाँ बना सकती हैं। इसके अलावा दूसरा हमारा पॉइंट है, विविधता का सम्मान, जिसमें सांस्कृतिक और भाषा की अगर हम बात करें तो संघवाद विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृति और भाषाई और सामाजिक विविधता को सम्मान देता है और उनके संरक्षण को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा दूसरा हमारा आर्थिक विविधता देखें तो इसमें विभिन्न राज्य अपनी आर्थिक नीतियाँ और विकास योजना बना सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय विकास और आर्थिक विविधता को बढ़ावा मिलता है। तीसरा हमारा पॉइंट है, शासन की प्रभावशीलता, स्थानीय समस्याओं का समाधान होता है। इसमें संघीय प्रणाली में स्थानीय समस्याओं का समाधान त्वरित और प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। इसके अलावा प्रयोग और नवाचार, राज्य स्तर पर विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों का प्रयोग और नवाचार किया जा सकता है, जो सफल होने पर राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जा सकते हैं। इसके अलावा संघवाद की चुनौतियों के बारे में देखें तो पहला है, संसाधनों का असमान वितरण, जिसमें वित्तीय असमानता और राजनीतिक तनाव हो सकते हैं। वित्तीय असमानता में संघीय प्रणाली में राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का असमान वितरण होता है, जिससे कुछ राज्य आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। राजनीतिक तनाव में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजनीतिक तनाव और टकराव उत्पन्न हो सकते हैं, विशेषकर जब वे राजनीतिक दलों द्वारा संचालित होते हैं। दूसरा हमारा है, नीतियों का समन्वय। नीतियों के समन्वय के अंदर दो चीज़ें आती हैं, जिसमें असंगत नीतियाँ और प्रभावी समन्वय की आवश्यकता। असंगत नीतियों के अंतर्गत संघीय प्रणाली में विभिन्न राज्यों की नीतियों में असंगति हो सकती है, जिससे राष्ट्रीय समन्वय और एकरूपता में बाधा उत्पन्न हो सकती है। प्रभावी समन्वय की आवश्यकता में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच नीतियों और कार्यक्रमों के लिए समन्वय प्रभावी तंत्र की आवश्यकता होती है। इसके अलावा संवैधानिक विवाद, तीसरा हमारा पॉइंट है, संवैधानिक विवाद। इसके अंदर संविधान की व्याख्या, संघीय प्रणाली में संविधान की व्याख्या को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, विशेषकर जब केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्रों में टकराव होता है। इसके अलावा संवैधानिक संशोधन, संघीय ढांचे में किसी भी संशोधन के लिए व्यापक सहमति की आवश्यकता होती है, जो कभी कभी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा विभिन्न देशों में अगर हम संघवाद की बात करें तो पहले हम अमेरिका में देखते हैं कि किस तरीके का संघवाद है। तो अमेरिका में संघवाद का मॉडल केंद्र और राज्य सरकारों के बीच स्पष्ट विभाजन और संतुलन पर आधारित है। संविधान के तहत राज्य सरकारों को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में संघवाद का मॉडल केंद्र राज्यों के संबंधों पर केंद्रित है, जहाँ केंद्र सरकार को कुछ मामलों में प्रमुख भूमिका दी गई है, लेकिन राज्यों को भी महत्वपूर्ण अधिकार और जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी में किस तरीके के संघीय व्यवस्था है, तो जर्मनी में संघीय मॉडल राज्यों लैंडर को व्यापक स्वायत्तता प्रदान करता है, विशेषकर शिक्षा और संस्कृति मामलों में। संघीय परिषद राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष हमारा, संघवाद में सत्ता की हिस्सेदारी एक प्रभावी मॉडल है, जो विभिन्न स्तरों पर
सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन और समन्वय सुनिश्चित करता है। ये प्रणाली समावेशी शासन, स्थानीय स्वायत्तता और विविधता को समान प्रोत्साहित करती है। हालांकि संघवाद की चुनौतियां भी हैं, जिसमें संसाधनों का असमान वितरण, नीतियों का समन्वय और संवैधानिक विवाद। सफल संघीय प्रणाली के लिए एक संतुलित और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो जो विभिन्न सरकारों के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा दे। अगला क्वेश्चन है हमारा लोकतांत्रिक शासनों की प्रकृति, जिसमें लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की प्रकृति को समझने के लिए उसके प्रमुख सिद्धांतों, विशेषताओं और कार्य प्रणालियों का विश्लेषण करना आवश्यक है। लोकतंत्र एक शासन प्रणाली जिसमें आम जनता का शासन होता है, जिसमें नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी का अधिकार होता है। इसकी विशेषताएं, लोकतांत्रिक शासनों की प्रमुख विशेषताएं देखें तो लोकप्रिय संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता के अंतर्गत जनता का शासन, जिसमें लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत जनता होती है। नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान करते हैं और वे प्रतिनिधि जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा सार्वभौम शक्ति, जनता को सर्वोच्च शक्ति के रूप में मान्यता दी जाती है और सरकार को उनके द्वारा चुना और नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद है दूसरा हमारा पॉइंट है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, नियमित चुनाव, जिसमें पहला पॉइंट है लोकतंत्र प्रणालियों में नियमित अंतराल पर चुनाव आयोजित किए जाते हैं, जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। इसके बाद है दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता और निष्पक्षता, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए, जिसमें सभी योग्य नागरिकों को मतदान का अधिकार हो और कोई भी बाहरी हस्तक्षेप ना हो। इसके बाद है तीसरा हमारा पॉइंट है कानून का शासन, कानूनी सुरक्षा, इसमें लोकतंत्र में कानून के शासन होते हैं, जिसमें सभी नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की कानूनी सुरक्षा की जाती है। इसके अलावा संवैधानिकता, संविधान सर्वोच्च होता है और सभी सरकारी कार्यवाही संविधान के अनुसार ही होती है। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट है हमारा मानवाधिकारों का संरक्षण, जिसमें मूलभूत अधिकार, लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों को मूल अधिकार जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और संगठन की स्वतंत्रता का संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा न्यायिक सुरक्षा की बात करें तो नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है। पांचवा हमारा पॉइंट है विधायी प्रक्रिया, जिसमें विधायिका, लोकतंत्र में एक प्रभावी विधायिका होती है जो कानून बनाने का कार्य करती है। ये विधायिका जनता द्वारा चुनी जाती है। कार्यपालिका की जवाबदेही, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है और उसे विधायिका के सामने अपनी नीतियों और कार्यों का विवरण प्रस्तुत करना होता है। छठा हमारा पॉइंट है सत्ता का विभाजन, जिसमें तीन शाखाएं हैं। लोकतंत्र में सत्ता का विभाजन तीन शाखाओं में विभाजित किया गया है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में किया गया है, जिसमें सत्ता का संतुलन और नियंत्रण सुनिश्चित होता है। इसके अलावा सत्ता का स्वतंत्रता और संतुलन, ये तीनों शाखाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, लेकिन एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखती हैं। अगला पॉइंट हम देखें तो इसमें है स्वतंत्र मीडिया, सूचना का स्वतंत्र प्रभाव। लोकतंत्र में मीडिया स्वतंत्र होती है और उसे सरकार की नीतियां और कार्यों को स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग और आलोचना करने का अधिकार होता है। इसके अलावा जनमत का निर्माण, स्वतंत्र मीडिया जनता को सूचित करता है और जनमत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा आठवां हमारा पॉइंट है नागरिक भागीदारी, जिसमें सक्रिय नागरिकता होती है, जिसमें लोकतंत्र में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है, और चाहे वे चुनाव में हो, चाहे जन आंदोलन या सामुदायिक संगठनों में। इसके अलावा सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित कराती है। लोकतांत्रिक शासनों के लाभ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। दूसरा पॉइंट है समावेशी और उत्तरदायी सरकार, लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा हमारा पॉइंट है शांति और स्थिरता, लोकतांत्रिक प्रणालियां आमतौर पर अधिक शांति और स्थिरता को प्रोत्साहित करती हैं, क्योंकि वे संघर्षों का समाधान और संवाद और सहमति से करती हैं। इसके बाद है लोकतांत्रिक शासनों की चुनौतियां, जिसमें जनता, जनसंख्या और विविधता होती है। बड़े और विविध समाजों में सभी समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करना और संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दूसरा हमारा पॉइंट है अल्पसंख्यकों के अधिकार, कभी कभी बहुमत का शासन अल्पसंख्यकों के अधिकारों की उपेक्षा कर सकता है, जिससे असंतोष उत्पन्न हो सकता है। तीसरा हमारा पॉइंट है सूचना का दुरुपयोग, गलत सूचना और प्रसार प्रसार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बाधित कर सकता है और जनमत को प्रभावित कर सकता है। इसका निष्कर्ष अगर हम देखें तो लोकतांत्रिक शासनों की प्रकृति, जनता की संप्रभुता, स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, कानूनों के शासन, मानवाधिकारों के संरक्षण, विधायी प्रक्रिया, सत्ता का विभाजन, स्वतंत्र मीडिया और नागरिक भागीदारी पर आधारित होता है। ये प्रणाली समावेशिता, उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करती है। हालांकि लोकतंत्र की चुनौतियां भी हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर
ध्यान में रखकर और सही नीतियों के माध्यम से इनका समाधान किया जा सकता है। लोकतांत्रिक शासन की सफलता का आधार जनता की भागीदारी, शिक्षा और नागरिक जागरूकता में निहित है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीयकरण पर लेख। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीयकरण पर एक व्यापक दृष्टिकोण है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसके अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी का राष्ट्रीयकरण एक महत्वपूर्ण और बहुआयामी विषय है जो किसी देश के वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विषय को सरकारी नियंत्रण में लाने का प्रयास करता है। इस लेख में हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीयकरण के विभिन्न पहलुओं, लाभों, चुनौतियों और इसके संभावित प्रभावों पर चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीयकरण का पहले अर्थ और उद्देश्य देख लेते हैं कि राष्ट्रीयकरण कहते किसे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो राष्ट्रीयकरण का तात्पर्य किसी उद्योग या क्षेत्र को निजी क्षेत्र से लेकर सरकार के नियंत्रण में लाने से है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीयकरण करने के उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, संवेदनशील और महत्वपूर्ण तकनीकों का सरकारी नियंत्रण में होना राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरा पॉइंट है हमारा समान विकास। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लाभों को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना होता है। इसके अलावा तीसरा हमारा पॉइंट है सार्वजनिक हित। वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास को जनहित में केंद्रित करना और व्यावसायिक लाभ से अधिक प्राथमिकता देना होता है। चौथा हमारा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को बढ़ावा देना होता है। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीयकरण के लाभ देखते हैं। तो इसके लाभ, हमारा पहला लाभ है समन्वित अनुसंधान और विकास, R&D, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत केंद्रीय प्रयास। राष्ट्रीयकरण से वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास को एक केंद्रीय दिशा और उद्देश्य मिल सकता है, जिससे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। इसके अलावा संसाधनों का अनुकूल उपयोग, संसाधनों का केंद्रीकृत प्रबंधन सुनिश्चित करता है कि धन, उपकरण और मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो। इसके अलावा दूसरा हमारा पॉइंट है राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा, जिसमें रणनीतिक तकनीक। राष्ट्रीयकरण से सरकार संवेदनशील और रणनीतिक तकनीकों को नियंत्रित कर सकती है, जिससे उनकी अवैध तस्करी का उपयोग रोका जा सके। इसके अलावा डेटा सुरक्षा, सरकार नियंत्रण में डेटा और तकनीकी की जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। अगला हमारा तीसरा पॉइंट है सामाजिक और आर्थिक लाभ, जिसके अंतर्गत समान अवसर। राष्ट्रीयकरण से सभी नागरिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लाभों का समान अवसर मिल सकता है। इसके अलावा दूसरा हमारा पॉइंट है इसमें ग्रामीण और पिछले क्षेत्रों का विकास। सरकारी नीतियों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों तक पहुँचाया जा सकता है। फोर्थ हमारा पॉइंट है वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, नवाचार की खोज। राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अधिक वित्तीय और संरचनात्मक समर्थन उपलब्ध हो सकता है। अगला पॉइंट है शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण। सरकार के नियंत्रण में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का स्तर बढ़ सकता है, जिसमें कुशल मानव संसाधन का विकास हो सकता है। इसके अलावा अगला हमारा पॉइंट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीयकरण की चुनौतियाँ। इसके अंतर्गत चुनौतियों में हमारा पहला पॉइंट है नवाचार की गति, ब्यूरोक्रेटिक बाधाएं। सरकारी नियंत्रण में निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, जिससे नवाचार की गति प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा लचीलेपन की कमी, निजी क्षेत्र की तुलना में सरकारी संरचनाएं कम लचीली हो सकती हैं, जो तेजी से बदलते तकनीकी परिदृश्य में नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा अगला हमारा पॉइंट है वित्तीय दबाव, जिसमें सरकारी बजट पर बोझ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है, जो सरकार के बजट पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। इसके अलावा दूसरा हमारा पॉइंट है लंबी अवधि की वित्तीय योजनाएं। वैज्ञानिक और तकनीकी परियोजनाओं में दीर्घकालिक निवेश की आवश्यकता होती है, जो तुरंत लाभ नहीं देती है। तीसरा हमारा पॉइंट है प्रतिस्पर्धात्मकता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, जिसमें सरकारी नियंत्रण होने पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में कमी कर सकता है। इसके अलावा निजी क्षेत्र का हाशर, राष्ट्रीयकरण से निजी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के अवसर कम हो सकते हैं, जिससे उद्योगों का हाशर हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा प्रभावी प्रबंधन, योग्यता आधारित प्रबंधन। सरकारी क्षेत्रों में प्रबंधन की गुणवत्ता और दक्षता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इसके अलावा भ्रष्टाचार और अपारदर्शिता, सरकारी नियंत्रण में भ्रष्टाचार और अपारदर्शिता की संभावना बढ़ सकती है, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति बाधित हो सकती है।
इसके अलावा अलग अलग देशों के अगर हम उदाहरण देखें तो सबसे पहले सोवियत संघ। सोवियत संघ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीयकरण व्यापक रूप से लागू किया गया था, जिसने अंतरिक्ष अनुसंधान और हथियार विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की। हालांकि नवाचार की कमी और आर्थिक संकट ने इस मॉडल की कमजोरियों को उजागर किया। चीन की अगर हम बात करें तो चीन ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीयकरण के साथ साथ निजी क्षेत्र के सहयोग का मिश्रित मॉडल अपनाया और उसने तीव्र गति से प्रगति की है। इसके अलावा भारत की अगर हम बात करें तो भारत में इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जैसे सरकारी संस्थाओं ने राष्ट्रीयकरण के माध्यम से महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धियां हासिल की हैं। निष्कर्ष अगर हम देखें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीयकरण एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील कदम है जो किसी देश की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। हालांकि इसे लागू करने में कई चुनौतियां और जोखिम भी है। राष्ट्रीयकरण के माध्यम से समन्वित अनुसंधान, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सुविचारित और संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सहयोग सुनिश्चित किया जा सके। सफल राष्ट्रीयकरण के लिए पारदर्शिता, प्रभावी प्रबंधन और दीर्घकालिक वित्तीय योजनाओं की आवश्यकता होती है जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सतत प्रगति की जा सके। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है इसमें राजनीति विज्ञान के अध्ययन में तुलनात्मक राजनीति का योगदान। तुलनात्मक राजनीति कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का योगदान देखते हैं राजनीति विज्ञान के अध्ययन में। तो राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है तुलनात्मक राजनीति, जो विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाओं, प्रक्रियाओं और व्यवहारों का तुलनात्मक अध्ययन करती है। इसका उद्देश्य राजनीतिक संरचनाओं और कार्यप्रणालियों के अंतर और समानताओं को समझना और उनका विश्लेषण करना है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन ने राजनीति विज्ञान को कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले सैद्धांतिक विकास, जिसके अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांतों का परीक्षण। तुलनात्मक राजनीति विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों का परीक्षण करने और उनके वैधता को विभिन्न संदर्भों में जांचने का अवसर प्रदान करती है। इससे राजनीतिक सिद्धांतों के सार्वभौमिकता और क्षेत्रीय विशेषताओं का पता चल सकता है। इसके बाद दूसरा हम देखें तो नए सिद्धांतों का विकास। विभिन्न देशों और राजनीतिक प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन से नए सिद्धांतों और अवधारणाओं का विकास हो सकता है जो राजनीतिक विज्ञान को समृद्ध बनाते हैं। इसके बाद है दूसरा हमारा पॉइंट है राजनीतिक संस्थानों और प्रक्रियाओं का विश्लेषण, जिसमें संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन शामिल है। तुलनात्मक राजनीति विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के तुलनात्मक अध्ययन करती है और उससे उनकी कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता का विश्लेषण किया जा सकता है। इससे विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं के प्रभाव और कार्य क्षमता को समझने में मदद मिल सकती है। अगला हमारा पॉइंट है लोकतंत्र और अधिनायकवाद का अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति लोकतांत्रिक अधिनायकवादी प्रणालियों का तुलनात्मक विश्लेषण करती है, इससे उनके उदय, विकास और पतन के कारणों का पता चलता है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि विभिन्न राजनीतिक प्रणालियां कैसे कार्य करती हैं और किन परिस्थितियों में सफल या विफल होती हैं। अगले हमारे पॉइंट के बारे में देखें तो नीतियों और शासनों का मूल्यांकन, जिसमें सार्वजनिक नीतियों का तुलनात्मक विश्लेषण अगर हम देखें तो तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न देशों के सार्वजनिक नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन करती है, जिससे उनकी प्रभावशीलता और परिणामों का मूल्यांकन किया जा सकता है। इससे बेहतरीन नीतियों का विकास और कार्यान्वयन करने में सहायता मिलती है। अगला हमारा पॉइंट है शासन और प्रणालियों का अध्ययन, प्रशासनिक प्रणालियों का अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से विभिन्न प्रशासनिक और शासन प्रणालियों की तुलनात्मक समीक्षा की जा सकती है, इससे उनके कार्यप्रणाली और चुनौतियों को समझने में भी मदद मिल सकती है। हम अपने अगले पॉइंट की ओर देखें तो राजनीतिक संस्कृति और व्यवहार का अध्ययन, जिसमें राजनीतिक संस्कृति का विश्लेषण तुलनात्मक राजनीति और विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्कृतियों का अध्ययन करती है, जिससे उनके राजनीतिक व्यवहार और प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जा सकता है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि विभिन्न समाजों और राजनीतिक विचारधाराओं और व्यवहार कैसे विकसित होते हैं। अगले पॉइंट की ओर देखें तो राजनीतिक भागीदारी और आंदोलनों का अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से राजनीतिक भागीदारी और जन आंदोलनों के पैटर्न और प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जा सकता है। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक स्थिरता के संबंध में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि मिलती है। अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा वैश्विक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण देखें तो तुलनात्मक राजनीति विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विदेश नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन करती है, जिससे वैश्विक राजनीति की जटिलताओं को समझा जा सकता है। इससे यह पता चलता है कि विभिन्न देशों की नीतियों और दृष्टिकोणों को कैसे आपस में जुड़े हो सकते हैं और वे वैश्विक राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है क्षेत्रीय एकीकरण और सहयोग। तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से क्षेत्रीय संगठनों और सहयोग प्रयासों का विश्लेषण किया जा सकता है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और विकास के मुद्दों को समझा जा सकता है। इसके निष्कर्ष के बारे में देखिए
तो निष्कर्ष में तुलनात्मक राजनीति में राजनीति विज्ञान को एक व्यापक और गहन दृष्टिकोण प्रदान किया गया है, जिससे विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाओं, नीतियों और संस्कृतियों का गहन विश्लेषण संभव हुआ है। इसके माध्यम से न केवल विभिन्न राजनीतिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को समझने में सहायता मिलती है, बल्कि इससे राजनीतिक सिद्धांतों का परीक्षण और नई अवधारणाओं का भी विकास होता है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन ने राजनीतिक विज्ञान को समृद्ध किया और इसे एक व्यापक और समग्र सुशासन के रूप में स्थापित किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक उपनिवेशवाद की उत्पत्ति और विकास। तो आधुनिक उपनिवेशवाद, जिसे हम इंग्लिश में मॉडर्न कॉलोनियलिज्म की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन, एक जटिल और बहुस्तरीय विषय है जो यूरोपीय समाजवादी शक्तियों के उदय, उनके विस्तार, उनके पतन के माध्यम से समझा जा सकता है। यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसमें 15वीं शताब्दी के अंत से 20वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोपीय देशों ने विभिन्न एशियाई, अफ्रीकी और अमेरिकी क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया और उनका शोषण। आधुनिक उपनिवेशवाद की उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसकी पॉइंट देखते हैं। तो भौगोलिक खोजें और समुद्री मार्गों की खोज, 15वीं और 16वीं सदी में यूरोपीय देशों ने नई समुद्री मार्गों की खोज की शुरुआत करी और इसके प्रमुख उद्देश्य थे व्यापारिक मार्गों की खोज। यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के साथ व्यापार करने के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की। इसके बाद संसाधनों की तलाश, यूरोप में प्राकृतिक संसाधनों की कमी और उनकी बढ़ती मांग ने यूरोपीय देशों को नए संसाधनों की खोज के लिए भी प्रेरित किया। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्यापारिक कंपनियों का उदय। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी व्यापारिक कंपनियों ने एशिया और अफ्रीका में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और धीरे धीरे अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया। इन कंपनियों ने स्थानीय शासकों के साथ व्यापारिक समझौते किए और समय के साथ साथ सैन्य बल का उपयोग करके अपने नियंत्रण को भी मजबूत कर दिया। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, आधुनिक उपनिवेशवाद का विकास, जिसमें साम्राज्यवादी विस्तार। 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच यूरोपीय शक्तियों ने अपने सैन्य और नौसैनिक क्षमता का उपयोग करके विभिन्न एशियाई, अफ्रीकी और अमेरिकी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। स्पेन और पुर्तगाल पर कैसे कब्जे किए, प्रारंभिक उपनिवेशवादी देशों में से ये स्पेन और पुर्तगाल थे जिन्होंने अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में उपनिवेश स्थापित किए। फिर इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस 18वीं-19वीं शताब्दी में मुख्य उपनिवेशवादी शक्तियों के रूप में उभरे, जिन्होंने अफ्रीका और एशिया में बड़े उपनिवेश स्थापित किए। अगला हमारा पॉइंट है, औद्योगिक क्रांति और तकनीकी उन्नति। औद्योगिक क्रांति, 18वीं-19वीं शताब्दी में हुई औद्योगिक क्रांति ने यूरोपीय देशों की उत्पादन क्षमता और आर्थिक शक्ति में वृद्धि करी, जिससे तकनीकी उन्नति हुई। नई तकनीकों और परिवहन के साधनों जैसे स्टीम इंजन, रेलवे और टेलीग्राफ ने यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेश का प्रबंधन और शोषण करने में भी सक्षम बनाया। इसके बाद राजनीतिक और सैन्य प्रभुत्व, जिसमें स्थानीय शासन का विनाश। यूरोपीय शक्तियों ने स्थानीय शासकों को पराजित करके प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद सैन्य ठिकानों की स्थापना करी। यूरोपीय देशों ने रणनीतिक स्थानों पर सैन्य ठिकानों की स्थापना करी, जिससे वे अपने उपनिवेशों की रक्षा और उनका विस्तार कर सकें। इसके बाद ये चौथा हमारा पॉइंट है, आर्थिक शोषण और संसाधनों का दोहन, जिसमें पहला है हमारा प्राकृतिक संसाधनों का शोषण। उपनिवेशों से प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनिज, मसाले और कृषि उत्पाद का बड़े पैमाने पर दोहन किया गया। इसके अलावा मजदूरी और श्रम शोषण, उपनिवेशों में सस्ते श्रम का उपयोग करके यूरोपीय देशों ने बड़े पैमाने पर उत्पादन किया और अपने लाभ को बढ़ाया। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, आधुनिक उपनिवेशवाद के परिणाम क्या हुए। तो पहला हमारा परिणाम है सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। तो जिसमें सांस्कृतिक प्रभाव में अगर हम देखें तो यूरोपीय उपनिवेशवाद ने स्थानीय संस्कृतियों पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे उनकी भाषाएं, परंपराएं और सामाजिक संरचना प्रभावित हुई। अगला हमारा पॉइंट है, धार्मिक परिवर्तन। कई उपनिवेशों में ईसाई धर्म का प्रसार हुआ, जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता में परिवर्तन आया। दूसरा हमारा पॉइंट है, आर्थिक असमानता, जिसमें आर्थिक दोहन हुआ। उपनिवेशों और आर्थिक संसाधनों का दोहन करके यूरोपीय देशों ने अपनी समृद्धि बढ़ाई, जबकि उपनिवेशित देशों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। जिसमें अगला हमारा पॉइंट है, संरचनात्मक असमानता। उपनिवेशवाद ने आर्थिक असमानता और संरचना विषमताओं को बढ़ावा दिया, जिससे दीर्घकालिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई। अगले अपने पॉइंट के बारे में हम देखते हैं, तो इसमें है राजनीतिक स्थिरता, जिसमें विभाजन और संघर्ष। उपनिवेशवाद के दौरान बनाए गए कृत्रिम सीमाओं और विभाजनों ने उपनिवेशिक देशों में राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष को जन्म दिया।
इसके बाद है स्वतंत्रता संघर्ष। उपनिवेशित शासन उपनिवेशित देशों में स्वतंत्रता और स्वायत्तता की मांगे बढ़ गई, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन और संघर्ष उत्पन्न हुए। अगला हमारा पॉइंट है आधुनिक उपनिवेशवाद का पतन कैसे हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो युद्ध के बाद यूरोपीय देशों की आर्थिक और सैन्य शक्ति कम हो गई, जिससे उनके उपनिवेशों पर नियंत्रण कमजोर हो गया। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन। एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के उपनिवेशित देशों में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गई, जिससे उपनिवेशवाद का पतन हो गया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने उपनिवेशवाद के खिलाफ अभियान चलाया और उपनिवेशित देशों की स्वतंत्रता का समर्थन किया। इसके बाद वैश्विक जनमत। वैश्विक जनमत उपनिवेशवाद के खिलाफ हो गया, जिससे यूरोपीय देशों पर उपनिवेश को स्वतंत्र करने का दबाव भी बढ़ गया। इसके निष्कर्ष के बारे में देखें तो आधुनिक उपनिवेशवाद की उत्पत्ति और विकास एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें यूरोपीय देशों ने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण और शोषण का विस्तार किया। यह प्रक्रिया भौगोलिक खोजों, व्यापारिक कंपनियों के उदय, औद्योगिक क्रांति और राजनीतिक सैन्य प्रभुत्वों के माध्यम से संचालित हुई। उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताएं उत्पन्न हुई, जो आज भी कई पूर्व उपनिवेशित देशों में देखी जा सकती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता आंदोलनों और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के कारण उपनिवेशवाद का पतन हुआ और कई देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। उपनिवेशवाद का अध्ययन हमें इतिहास, राजनीति और समाज के विकास को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये हमारा MPS 4 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमारे यहाँ ख़त्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।